आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, चलिए आपको फिर एक बार ले चलते हैं सैफई में, जहां पे मुलायम सिंह के निधन के बाद चारों तरफ गमगीन माहौल है, जनता दुखी है, पूरे प्रदेश में शोक का लहर है और बड़ी संख्या में वहां पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस समय हमारे सैफई में हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता और विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग वहाँ पे मौजूद हैं अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके पीछे भी काफ़ी भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए और काफ़ी गमगीन भी में हैं वो। मैं चाहता हूँ कि उनसे आप थोड़ा सा बात करिए और उनसे नेताजी से जुड़ी हुई कुछ विचारों को जानिए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वो जगह है, हम खड़े हैं सैफई में, सैफई वो जगह है जहाँ की जो कि मुलायम सिंह यादव की एक शुरुआती कर्मस्थली रही है, शुरुआत की। और शुरुआत के बाद, चूँकि हम अभी हमने आपको दिखाया था कि जो सामने है उनका पैतृक घर था, वहाँ पर वो रहते थे, उसके बाद लगातार राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ते चले गए। 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, महत्वपूर्ण ताना बाना रहा। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं कि जो निर्णय आज तक कोई नहीं ले पाया था। निश्चित रूप से उनकी यही छवि थी कि हर कार्यकर्ता को उनके नाम से जाना, हर कार्यकर्ता को उनके निवास से जाना, उनकी जानकारी से जाना, गांव से जानना, ये उनकी दूरदर्शिता थी। इसलिए लोगों का ये हजूम है, जो मैं आपको हजूम दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मनीष, जिस स्तर पर यहाँ पर जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसके पीछे का मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ है और लोग अभी भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग यहाँ पर लगातार जा रहे हैं। इतनी रात का समय हो चुका, उसके बाद भी सैफई में इस समय आप जो माहौल देखेंगे, हुजूम जुड़ा हुआ है अपने नेता के, अपने धरती पुत्र के, मन से मुलायम राजे लोहा है उस छवि के, नेता के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों का हजूम जुड़ा हुआ है। और उस पर बताता है कि इनकी जो छवि थी वो केवल राजनेता की नहीं थी, जनप्रिय नेता थे और हमेशा लोगों के बीच में रहने की उनकी छवि थी। और जो आज हम दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं, यहाँ पर सभी राज्यों से लोग आए हैं, सारे बड़े बड़े राजनेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर आए थे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर आए थे और कल उनके अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। ये बताता है इनका कद, ये बताता है इनका स्तर, किस स्तर के नेता थे। और लोगों का जो हुजूम दिख रहा है वो इस बात को साबित करता है कि ये जनवरी छवि के नेता थे और इसी जनवरी छवि के चलते लोगों को मानते थे, क्योंकि इनका जो उपनाम कहेंगे नेताजी उपनाम से हमेशा संबोधित किए जाते थे। और लोगों के बीच में जो उनका प्रेम था वो इसी बात से निर्भर करता है कि अगर हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करते थे तो गांव देख के गांव बता देते थे, ऐसी दूरदर्शिता उनकी होती थी, ऐसा उनका काम होता था। ऐसे जनवादी छवि के नेता थे मुलायम सिंह यादव। हमारे साथ कई और लोग मौजूद है, हम जानेंगे कि कैसा उनको लग रहा है, क्या महसूस कर, जाहिर सी बात शोका को ले सभी लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्या मेरा नाम आपका? मैं मैनपुरी से आया हुआ। मैनपुरी से आया जी। और नेताजी को हम बचपन से अपने घर में सुनते आए, बिल्कुल नेताजी को, नेता को तो मानते ही थे, साथ में हम अपना भगवान भी उन्हें मानते थे। और आज जो नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कि हमने अपने परिवार का कोई एक सदस्य खो दिया, हमारा परिवार का मुखिया चला गया। हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि क्या दुख हमारे घर में, आज हमारे माताजी पिताजी, मेरे घर में खाना तक नहीं बना, मतलब इतना ज़्यादा दुख पूरे घर में है जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भैया जी। पूज्य नेताजी जो है, एक स्मरण बताना चाह रहे हैं नेताजी के बारे में। मैं जनपद सोनभद्र से हूँ। सोनभद्र से 2006 में नेताजी सोनभद्र गए थे, चीफ मिनिस्टर थे जी, और NTPC बीजपुर में पावर प्लांट का उद्घाटन करना था जी। और केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे गए थे वहाँ पे, वहाँ पे समाजवादी और कांग्रेसी दोनों थे वहाँ पे, क्योंकि NCP के वो थे शिंदे जी। और हमारे जनपद में एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं था वहाँ पे। मैं शासन का अध्यक्ष हो गया था और मैं भीड़ में नेताजी से कहा कि नेताजी एक डिग्री कॉलेज दे दीजिए, महिला डिग्री कॉलेज। तो नेताजी ने भीड़ में मुझे 2 मिनट के लिए डांटा जो है, फिर मुझे बैठा दिया। फिर नेताजी ने मुझे जो है कि पुचकारा, वो नौजवान साथी कहाँ गया जो डिग्री कॉलेज की मांग कर रहा था, खड़ा कराया पूरे वहाँ पे, कम से कम 20,000 की भीड़ रही होगी। तो नेताजी ने खड़ा कराया और कहा कि तुम क्या मांग कर रहे थे।
और तुम्हें कौन डांट रहा था? तो हम चुप हो गए क्योंकि नेताजी मुझे डांट रहे थे। तो नेताजी ने कहा कि तुम बहादुर हो और क्रांतिकारी हो, तुम्हारी क्या मांगे हैं? मैंने कहा मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ नेताजी 2003 में, और आपने कहा कि मांग करनी चाहिए और आंदोलन पर हम लोग बैठे थे। नेताजी ने कहा क्या चाहिए तुमको? हमने कहा कि मुझे महिला डिग्री कॉलेज चाहिए। नेताजी ने तत्काल वहाँ पे जिलाधिकारी को बुलाया और कहा कि इसी सत्र में और एक महीने के अंदर डिग्री कॉलेज चालू होना चाहिए, और नेताजी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हुआ। एक महीने के अंदर डिग्री कॉलेज वहाँ पे संचालित हो गया, जो कि महिला डिग्री कॉलेज पूरे जनपद में मात्र एक महिला डिग्री कॉलेज है, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज सोनभद्र में। उन नेताजी ने प्राइवेट बिल्डिंग में चालू किया नेताजी ने जी, प्राइवेट डिग्री। तो देखा हमने यहाँ पर कि नेताजी जनसभा कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी मांग रखी, उसके बाद उन्होंने उस मांग को पूरा करते हुए सोनभद्र से यहाँ पर आए हैं। ये लोगों का प्यार ही है कि उनको यहाँ तक खींच लाया है श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए, और लोगों का हुजूम बता रहा है कि किस छवि के नेता थे। मन से मुलायम नेताजी लोहा है और जनवारी छवि के नेता थे। ऐसे ही उनको नेताजी नहीं बुलाया जाता, ऐसे ही उनको धरती पुत्र नहीं बुलाया जाता था, इसलिए बुलाया जाता था कि लोग उनको चाहते हैं। आज भी चाहत है, वो चाहत यहाँ पर लोगों के हुजूम से नजर आ रही है। ये चाहत वो चाहत नहीं है यहाँ पर किसी को बोल के बुलाया गया है, ये चाहत वो चाहत नहीं है यहाँ पर किसी को न्योता दे के बुलाया गया है, ये चाहत वो चाहत है जो लोग सोनभद्र से देश के प्रत्येक राज्य से आए हैं। वो ये बताते हैं कि नेताजी के वो उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, वो नेता देश के थे, वो देश के नेता थे, उनका काम और चीजें बोल रही है, तभी लोग यहाँ पर उनको अपने अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। जल्दी जल्दी जी गौरव नेताजी अमर रहे, अमर रहे। 2004 में सोनभद्र के नेताजी का नाम रहेगा, जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनभद्र चंदौली मिर्जापुर और अति नक्सल रहा, और नक्सलियों का बहुत घोर आतंक था वहाँ पे। नेताजी नौगढ़ में जाने का काम किया, वहाँ पे आईजी डीआईजी लगातार कहते रहे कि नेताजी नौगढ़ में न जाएं, और तमाम जिलाध्यक्ष मिर्जापुर सोनभद्र और चंदौली के जिलाध्यक्ष को बुला के कहा आईजी और डीआईजी ने कि नेताजी नौगढ़ में नहीं जाना चाहिए, और नक्सलवाद है वहाँ पे, 15 पीएससी के नौजवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और नेताजी ने वहाँ जाने का काम किया, और 2005 के बाद कोई नक्सली घटना वहाँ पर नहीं घटी। हमने यहाँ पर प्रसंग सुने कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं किस तरह उन्होंने बड़े बड़े वादे जो उन्होंने किए थे वो वादों को पूरा किया है। छोटी सी जनसभा में अगर वहाँ जाते थे और वहाँ कोई अपनी मांग रखता था तो तत्काल एक महीने के अंदर उस कार को रोकने की बात करते थे। उसके अलावा हम यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं नेताजी के बारे में क्या कहना चाहें। मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, जाकिर हुसैन नाम है मेरा। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इतने काम किए हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किए हैं, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको साथ में लेकर उन्होंने काम किए हैं, कार्य किए हैं, और सभी के साथ में ना कोई उन्होंने छोटा बड़ा समझा है, ना छोटा समझा है किसी को, ना बड़ा समझा है, और सभी को लेकर उन्होंने काम किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दीपक, यहाँ पर मनीष आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आजम खान जी आ चुके हैं और अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आजम खान आ चुके हैं। मैं बता दूं आगे अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं और साथ में उनके आजम खान आ चुके हैं, और निश्चित रूप से बड़ा नाम है क्योंकि जहां पर जिस तरह से देख रहे हैं कि आजम खान यहां पर सैफई पहुंच चुके हैं, और आजम खान सैफई पहुँच कर यहाँ पर नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और ये हुजूम दिखा रहा है कि किस तरह की नेताजी की छवि थी। वो छवि को देखते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है उनके आवास पर, और ये भीड़ स्पष्ट दिखाती है कि नेताजी केवल नेताजी नहीं थे बल्कि वो नेता थे जिनकी झलक देखने के लिए, इनके आर्थिक झलक यहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से मनीष हम आपको दिखा रहे हैं कि आजम खान यहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हम देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इतना हजूम है मनीष, मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने का। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अब्दुल्ला आजम आ चुके हैं, यहाँ पर आजम खां अभी आ चुके हैं सैफई में, अभी आए हैं, और मैं उनको आपको दिखाने का मैं दीपक से कहना चाहूँगा कि थोड़ा और कैमरा ऊपर करके दिखाएँ कि आजम खां यहाँ पर आ चुके हैं। और गौरव, प्रदेश की राजनीति में ये इतना बड़ा कद था मुलायम सिंह यादव का कि वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी जी
और मैं आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं गौरव, तो आप जी, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताइए रहा इनके राजनीतिक रसूख के बारे में, मैं चाहता हूं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि इतने जमीनी नेता थे वो, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति की भी अगर समस्या लेकर उनके पास पहुंचता था तो वो उसका भी समाधान करते थे और उसको भी सुनते थे। जी मनीष अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आजम खान आ चुके हैं और यहाँ पर उनके साथ उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम भी आ चुके हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम आ चुके हैं। अभी उनके पास मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वो आ चुके हैं और निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट होती है कि सभी के नेता थे और यहाँ पर लोगों का हुजूम बता रहा है। देखिए मैं आपको अपने कैमरामैन से हमारे सर हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं मनीष कि यहाँ पर अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो फुटेज दिखा है कि यहाँ पर ये देखिए आप सीधा सैफई से देख रहे हैं, यहाँ पर अब्दुल्ला आजम और आजम खान यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अब्दुल्ला आजम भी आ चुके हैं, यहाँ पर आजम खान भी आ चुके हैं। इस पर बताते हैं कि यहाँ आजम खान दिखाई दे रहे हैं, आजम खान और अब्दुल्ला आजम वहाँ पे मुलायम सिंह के आखिरी दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आजम खान व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं, साथ उनके बेटे और शायद पत्नी भी। जी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद है जहाँ पर मनीष, यहाँ पर एक छवि स्पष्ट बताती है कितने बड़े। जी मनीष आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम आ चुके हैं और यहाँ पर हम फिर जुड़ते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए जो कि बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव किस कद के नेता थे। और जाहिर सी बात है जो उनका कद था वो तो उसका वर्णन करना संभव नहीं है मनीष, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्णन करेंगे तो तमाम तरह के प्रसंग उनके साथ हैं, तमाम तरह के लोग उनके बारे में बताना चाहते हैं और लगातार लोग बता भी रहे हैं, अपने प्रसंग बता रहे हैं किस तरह के नेता थे। हमारे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव जी का। वो तो हमारे भगवान थे जी, बहुत अच्छे नेक इंसान थे वो जी, उनके हम शिष्य हैं, उनके दर्शन पाने आए साहब। कहाँ से आए आप? हम हाथरस से आए। तो आपने देखा ये हाथरस से आए हमारे सारे नेताजी और मौजूद है। मैं कहना चाहेंगे इतनी बड़ी क्षति हुई है देश को, प्रदेश को और पार्टी को। मैं आजमगढ़ से हूँ, कमलेश कुमार यादव मेरा नाम है। नेताजी के जाने से अत्यंत दुख है, हम लोगों ने सब कुछ जैसे लग रहा कि खो दिया है और आजमगढ़ को नेताजी ने सजा करके रखा था। हम उस धरती से आए हैं, नेताजी के जाने से हम लोग अपार दुख, पूरी जनता में सब लोग इतना बड़ा दुख हम लोगों के ऊपर जैसे लग रहा कि वज टूट पड़ा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं आजमगढ़ से आया हूँ। जब नेताजी पहली बार नवासी में मुख्यमंत्री बने थे तो हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे और 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तब से आज तक समाजवादी पार्टी के नेताजी के अगुवाई में हम लोग संघर्ष किए, जेल गए, लाठी खाए, छात्र संघ का भी चुनाव लड़े और तमाम हम लोग संघर्ष करते रहे। आज हमको कमी महसूस हो रही है कि हमारे बीच से ऐसे नेता जिनके आशीर्वाद से लाखों लाख लोग नौजवान किसान मजदूर अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, आज हमारे बीच में वो ऐसी ताकत नहीं रह गई, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। क्या मानते हैं अखिलेश यादव पर यहाँ बड़ी जिम्मेदारी भी आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, संरक्षक का निधन हो गया है, किस तरह देखते हैं, कैसे जिम्मेदारी संभालेंगे? जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं तो सारे लोगों को लेकर के चलना चाहिए और जितने कार्यकर्ता हैं चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों सबको भाईचारा के साथ लेकर चलना चाहिए, यही हमारी शुभकामना है। हमारे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं। मैं मैनपुरी से आया हूँ। मैनपुरी से आए, क्या नाम है? मैनपुरी से राजीव कुमार सभासद, मैं नगर पालिका परिषद मैनपुरी। राजीव जी पूर्ण क्षति हुई है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है और ये बता रहा है कि यहाँ पर लोगों का हुजूम बता रहा है कि किस कद के नेता थे। सर 96 में हमारे यहाँ से सांसद शुरुआत की है मैनपुरी से और लोकसभा से बराबर लगातार जीतते आए हैं। उनकी सभी पार्टियों के लोगों से ऐसा नहीं था, सभी दलों के लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार, उनका बोलना चलना और गरीबों की बहुत मदद की है। गरीबों की इतनी मदद करते थे, अगर गाड़ी में बैठे हैं और गरीब अगर कोई खड़ा है वैसा भी तो ये समझ लीजिए उनके लिए उतर जाते थे वो और कहते थे बताओ क्या हमारे लायक है, जाइए लिख के देते थे। मैंने 92 में बस्ता संभाला था, मैं 49 ईयर्स का मैं हूँ इस समय, मैंने बहुत कार्य किया। मैं नेताजी बहुत अच्छे लोग,
बस इतना ही हम कह सकते हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतने इतने अच्छे नेता अब हमको तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो भावनाएं हैं वह आंसू में व्यक्त हो रही हैं। लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके नेताजी का आज सुबह निधन हो गया। ये उनका रोना ये आंसू केवल भावना व्यक्त करने के आंसू नहीं है, ये आंसू उनकी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि किस करके वो नेता थे, उनका कद क्या था। और उन्होंने बताया कि गाड़ी उतर जाते थे, लोगों की बात सुनते थे और बताते मेरे लिए क्या सेवा है। तो ऐसी नीति, ऐसा भाव, ऐसे व्यवहार के स्वामी थे मुलायम सिंह यादव। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैं प्रयागराज से चल के आई, सत्यभामा मिश्रा नाम है मेरा, और मैं 18 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ। और माननीय मुलायम सिंह जी यादव की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत वो पिता तुल्य थे मेरे, और बचपन से ही हम लोग उनके अनुयायी हैं। आज जब सुना तब से हम बेचैन हुए, बाई कार वहीं से अभी चल के अभी पहुँचे हैं, दर्शन हुआ उनका। अब हम लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे, मतलब हम लोग किस तरह से मानते थे हम लोगों को कि कहीं अगर मिल जाएं तो पूरी सिकोटी को किनारे कर देते थे, हम लोग पैर छूते थे, सिर में हाथ रख देते थे तुरंत। आज उन्हें इस तरह देख करके ऐसा लगा कि जैसे हम सब कुछ खो दिए हैं। बहुत दर्द है आज हम लोगों को। हमारे कोई और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी भावनाएँ है क्या हैं इस अपूर्णीय क्षति के मौके पर। गुसाईगंज विधानसभा से अयोध्या से नेता जी के साथ हम लोग बहुत जमाने से जुड़े हैं, 18-20 साल हो गया। एक छोटे से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। आज बड़ा दुख हुआ, कार्यकर्ताओं का जितना सम्मान करते थे नेताजी, हम लोग छोटे स्तर के हैं लेकिन हम लोग को भी बुलाया करते थे नाम से जब जाते अयोध्या जाते थे। तो आज हम लोग देख पा रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ होगा नेताजी का अंतिम संस्कार। आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ वहां पर पहुंचे और नेताजी के अंतिम दर्शन उन्होंने भी किए। अभी भी बड़ी संख्या में लोग नेताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर रुके हुए हैं। आज भी मैं याद कर रहा हूं कि इलेक्शन के दौरान नेताजी अकेले ही निकल पड़ते थे, उनके साथ काफिला चल पड़ता था और बड़ी स्तरों पर जो भी जनसभाएं करते थे वहां पे एक एक कार्यकर्ता की बात सुनते थे, अपने पदाधिकारियों की बात सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो नाम से उसे पहचानते थे, नाम से बुलाते थे। नेताजी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने दिया, इतना प्रेम, इतना अपनापन उसे देते थे कि ये झलक अभी आपको यहाँ देखने को मिली कि कार्यकर्ता वहाँ पे इस समय मौजूद हैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो बहुत ही गमगीन हैं और अपना पूरा दर्द वो हमारे माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। नेताजी का पार्थिव शरीर इस समय दर्शन हेतु रखा हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, नेताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी भावनाएं उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। ये स्तर था नेताजी का, ये कद था नेताजी का, जिसलिए उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम भी वहां पहुंचे हैं। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता भी नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। नेताजी का एक प्रसंग याद आ रहा था, जब वो अध्यापक थे तो उनके ही समकक्ष एक अध्यापक से एक दरोगा साहब ने अमानवीय व्यवहार किया था, जिससे नेताजी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उसका ट्रांसफर
गुस्से में उस जिले से हटा दिया गया था उसको। बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम भाव से नेताजी उनका अध्यापक का कार्य करते थे, जमीनी नेता थे, किसानों के प्रति बहुत ही सहानुभूति और बहुत ही प्रेम रखते थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी करी, किसानों से बहुत आत्मीयता से वो मिलते थे, देश प्रदेश की जनता का जो भी प्रेम आज आप देख पा रहे हैं, ये नेताजी का व्यक्तित्व है कि उनसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं, उनके दर्शन करने आ रहे हैं। आज पूरा देश शोकाकुल है, सभी की आंखें नम हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह ने आज आखिरी सांस ली है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं, 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। एक बड़ा व्यक्तित्व था जो आज हमसे विदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के मसीहा के रूप में भी इनको लोग देखते हैं। वहाँ के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा गमगीन हैं, कोई उन्हें भगवान की संज्ञा दे रहा है, कोई देवता की संज्ञा दे रहा है। अंतिम दर्शन में महिलाएं वहाँ पर उपस्थित हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रही हैं, नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। ये प्रेम था मुलायम सिंह यादव का। तो जैसा कि आपने देखा, राजनीतिक जगत के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। मुलायम सिंह की मृत्यु से, उनके निधन से आज कितना शोकाकुल वहाँ का वातावरण हो गया है। वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के पदाधिकारी हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता, विभिन्न जिलों से आए हुए लोग आज मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। खुद आज़म खां अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के साथ वहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे और विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। कल उनका 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए यहीं, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।